नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 18 तारीख की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु मिथुन राशि में, धनु राशि में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और केतु का गोचर, मकर राशि में शनि है, कुंभ राशि में सूर्य और बुध है और मीन राशि में शुक्र का गोचर चल रहा है। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा, अच्छी स्थिति है, आप किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है, निरंतर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, प्रेम की स्थिति अच्छी चल रही है, शारीरिक सुधार की तरफ जा रहे हैं, हर दृष्टिकोण से उत्तम समय है। आप कुछ भी पीली वस्तु अपने पास रखें या केसर का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु का दर्शन करें और अच्छा। वृषभ राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा सा बच के पार करें, परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यवसायिक स्थिति ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चने की दाल गुरुवार के दिन दान करें और अच्छा होगा। मिथुन राशि, नव प्रेम का आगमन, नव संबंध का आगमन, जीवन साथी से बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, हर दृष्टिकोण से बड़ा सही समय है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम में सुधार और व्यवसायिक स्थिति में चार चांद लग रहा है, भगवान विष्णु का दर्शन करें और पीली वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। कर्क राशि, शत्रु परास्त होंगे, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी और मित्रता का भाव आ जाएगा शत्रु में भी। व्यवसायिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति मध्यम है और प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी कही जाएगी। केसर का तिलक लगाएं, हनुमान जी का दर्शन करें। सिंह राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय ना लें, लिखने पढ़ने के लिए समय अच्छा है, गायकों के लिए और कवियों के लिए ये स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। प्रेम मध्यम है, स्वास्थ्य अच्छा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। पीली वस्तु पास रखें, भगवान विष्णु का दर्शन करें। कन्या राशि, घर में कुछ अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, घर में कोई उत्सव हो सकता है, मां के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, भूम भवन वाहन की खरीदारी हो सकती है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापारिक उन्नत के साथ आप चल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव का दर्शन करें और पीली वस्तु का दान करें और अच्छा होगा। तुला राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे और ये पराक्रम आपको सफलता की तरफ ले जा रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा समय, शारीरिक दृष्टिकोण से मध्यम समय और प्रेम की स्थिति दिनानुदिन अच्छी होती जा रही है। कोई भी पीली वस्तु दान करें और शनिदेव को प्रणाम करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, धनागमन बना रहेंगे, कुटुंबों में वृद्धि होगी, बस जुबान पे थोड़ा नियंत्रण रखिए और युवा सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाएं। व्यवसायिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति मध्यम है, प्रेम की स्थिति अच्छी होती दिखाई पड़ रही है, किसी भी तरह की कोई जोखिम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। केसर का तिलक लगाएं, पीली वस्तु पास रखें, भगवान विष्णु का दर्शन करें। धनुराशि, नरम गरम बना रहेगा, बहुत सौम्यता रहेगी आप में, शत्रु पक्ष भी आपके साथ रहेगा, रोग में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम की स्थिति अच्छी होगी, व्यापारिक लाभ होगा, शिव जी को जल दें और अच्छा होगा। मकर राशि, अनाप शनाप खर्चे होंगे, बेकार के पचड़ों में फंसे रहने का संकेत है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय, शारीरिक दृष्टिकोण से मध्यम समय, प्रेम की स्थिति लेकिन ठीक ठाक चल रही है। कोई भी सफेद वस्तु दान करें, मां काली को प्रणाम करें, अच्छा होगा। कुंभ राशि, धन की स्थिति अच्छी है, निरंतर आप आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी करते हुए दिख रहे हैं, प्रेम की स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति अच्छी है और व्यापार में वृद्धि होते जा रही है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव को प्रणाम करें और अच्छा होगा। मीन राशि, व्यापारिक लाभ, पैतृक संपत्ति में इजाफा, कोर्ट कचहरी में विजय, व्यापार की स्थिति अच्छी, शरीर की स्थिति अच्छी और प्रेम की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, भगवान शिव को प्रणाम करें और लाल वस्तु पास रखें और अच्छा हो। नमस्कार।